व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना, भय वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों। आपके हाथ में है वर्तमान, वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधे राधे।